हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचडी ट्यूटोरियल। तो देखिए, आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम अपने बच्चों को बीट्स की हेल्प से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे। और वो कैसे करते हैं विदाउट अबेकस, कैसे सिखाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये है एडिशन। देखिए यहाँ पर लिखा है एडिशन। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर बच्चे को बोलना है, जैसे यहाँ पर लिखा है एडिशन और लिखा है ड्रॉ एंड राइट द बीड्स वैल्यू। तो यहाँ पर बीड्स बनी है। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ना ये साइन की पहचान करानी है कि ये प्लस का साइन है। उनको बताना है कि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन होता है। तो जब तक ये बच्चों को इस वाले साइन की पहचान नहीं होगी तब तक वो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये इजिली बच्चे समझ जाते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो हम जैसे मेरे पास तो ये बुक है, बट हम अपने बच्चों को शीट पे भी ड्रॉ करके दे सकते हैं बीड्स को। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने बच्चों को बताना है कि हमने ये कैसे करने हैं, शीट्स पे ड्रॉ करके कैसे देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसे यहाँ पर वन बीड है, तो हमने सिखाया बच्चों को, बताया कि इसकी वैल्यू होती है वन। तो इसकी वैल्यू होती है वन, यहाँ पर इसकी वैल्यू है वन। ये वन बीड है, ये भी वन बीड है। तो हमने उनको बताना है कि दोनों को हमने प्लस करना है, यानी जोड़ना है दोनों को। तो क्या करेंगे, वन टू, उनको बोलना है कि ये इनको काउंट करना है वन टू, वन के आगे काउंट करना है जब जब ये वाला साइन आता है। तो ये हुआ टू, तो यहाँ पर आंसर आएगा टू। और वो यहाँ पर बीड्स भी बना सकते हैं, जैसे वन टू, हम उनको ऐसे भी करवा सकते हैं और ऐसे भी आंसर वो लिख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह हम उनको बता सकते हैं। तो नेक्स्ट सम में यहाँ पर टू बीड्स है, तो उनको बोलना है वन टू, इनको इसमें काउंटिंग करना है वन टू, टू के बाद काउंट करना है थ्री, वन टू थ्री। तो यहाँ पर आंसर आएगा थ्री और यहाँ पर हम बीड्स बनाएंगे वन टू थ्री। थर्ड सम में है वन टू थ्री, यहाँ पर थ्री बीड्स है, इनको काउंट करना है वन टू थ्री। अब यहाँ पर थ्री बीड है, यहाँ पर वन बीड है, तो हमने थ्री के बाद काउंट करना है और साइन इनके बीच में है प्लस। तो थ्री के बाद काउंट करना है फोर, ये हुआ फोर। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर और यहाँ पर बनाएंगे फोर बीड्स, वन टू थ्री फोर। अब नेक्स्ट है वन टू, यहाँ पर टू बीड्स हैं प्लस वन, तो हम करेंगे वन टू थ्री, ये दोनों सेम सम है। ये थ्री हुआ, यहाँ पर लिखेंगे थ्री और यहाँ पर आंसर आए। तो देखिए नेक्स्ट सम में ये दोनों सेम, ये रिपीटेड सम है क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं ये। देखिए लास्ट सम में क्या है, यहाँ पर थ्री बीड्स हैं, वन टू थ्री थ्री, ये प्लस का साइन है, थ्री में थ्री से आगे काउंट करना है फोर। तो यहाँ पर आंसर आएगा फोर और यहाँ पर हम बनाएंगे फोर बीड्स, वन टू थ्री फोर। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को प्लेन पेपर पे ड्रॉ करके बीड्स को तब भी दे सकते हैं और उससे भी उनको ना उससे भी उनको एडिशन अच्छे से आ जाएगी। तो हम अब हम नेक्स्ट चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ सब्ट्रैक्शन हम कैसे बच्चों को करवा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें उनको बताना है कि ये माइनस का साइन है और माइनस के साइन के लिए हमें नंबर्स को कट करना होता है। जैसे यहाँ पर वन बीड दी है, वन माइनस वन, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम वन टू, वन से आगे काउंट करते। तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है, तो ये वाली जो बीड है ना, ये वाली हमने यहाँ से कट करनी है, यानी वन में से हमने वन को कट कर दिया, तो यहाँ पर कोई भी बीड नहीं बची है। तो यहाँ पर आंसर आएगा जीरो। तो जैसे सेकंड सम में टू बीड्स दी हैं, वन टू, अब यहाँ पर दिया माइनस वन, माइनस के बाद जितनी बीड्स है उतनी बीड्स हमने यहाँ से कट करनी है, टू माइनस वन, तो वन बीड को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पर वन बीड बची है, तो आंसर आएगा वन। अब यहाँ पर थ्री बीड्स हैं, थ्री में थ्री माइनस वन, तो थ्री में से वन बीड को कट करना है, वन बीड को हमने कट कर दिया, हाउ मेनी बीड्स आर लेफ्ट, वन टू, तो टू बीड्स बची हैं, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे टू। अब नेक्स्ट सम में वन टू थ्री फोर, यहाँ पर फोर बीड्स हैं, फोर माइनस वन, तो फोर में से वन को माइनस करेंगे, वन बीड को कट कर देंगे, वन टू थ्री, थ्री बीड्स बची हैं, तो आंसर आएगा थ्री। लास्ट सम में वन टू थ्री माइनस टू, थ्री में से टू बीड्स माइनस करनी है, वन टू, तो आंसर आएगा वन। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को
एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे जैसे 4+ हैं या 5+ है, जिन्होंने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लास में शुरू ही किया है, उनको भी हम इस तरह से सिखा सकते हैं। इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। आप प्लीज ये ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि जब आपने ये करवाया, ऐसे अपने बच्चों को करवाया, तो आपको क्या रिजल्ट मिला। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।